देखिए हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ ले रहे हैं। हम लोग ये समझ पहले के क्लास में हम लोग देखे थे कि मगध के प्राचीन इतिहास में यहाँ पर 6 वंशों की स्थापना हुई थी, जिसको याद करने का ट्रिक था ठीक है हाँ से हर्यक वंश, हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य, मौर्य वंश, स से सुंग, सुंग वंश, और क से कण्व, कण्व वंश। ये इतना चीज जो है हम लोग देखे थे पहले के क्लास में, है ना, कि मगध का प्राचीन राजवंश में यहाँ पर 6 वंशों की स्थापना हुई थी। पहले नंबर का था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य, पांचवा सुंग और छठा कण्व। इन सारे वंश की स्थापना हुई थी। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इन सभी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर। इसके बाद हम लोग डीपली पढ़ेंगे एक एक वंश के बारे में, क्लियर। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आता है ना ये मौर्य वंश से, मौर्य वंश, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, क्लियर। तो अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग को ये समझा रहे हैं कि ये वंश था क्या। तो जैसे अभी मौर्य वंश में हम लोग समझ चुके हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा कर सत्ता पर अधिकार किया, क्लियर, सत्ता पर अधिकार किया। वहीं दूसरी तरफ ये भी हम लोग समझेंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। हालांकि मौर्य वंश बहुत बड़ा है, जब इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो लगभग इस 10 पेज इस पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे बड़ा मगध का सबसे बड़ा वंश मौर्य वंश, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, हम लोग इतिहास कहाँ से स्टार्ट किए थे, राजा पोरस के समय से, ठीक है। राजा पोरस पढ़े, फिर 16 महाजनपद पढ़े, फिर हम आपको यह बताए कि चाणक्य जो है वह किस तरह से धनानंद के दरबार में राजा पोरस को भेजते हैं कि तुम जा करके राजा पोरस को बोलते हैं कि तुम जा करके धनानंद से मित्रता कर लो। क्यों मित्रता कर लो, क्योंकि सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण के लिए तैयार है। फिर राजा पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के बीच में युद्ध होता है, सिकंदर वापस बेबीलोन लौट जाता है, रास्ते में मर जाता है, क्लियर। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर डेथ कर रहा है, और यहाँ पर सोचिए 33 वर्ष का अवस्था में पूरा विश्व जीत लिया, और आज के समय में क्या होता है, 35 साल तक SSC बैंकिंग, SSC JPSC सबका तैयारी करते रह जाता है। तो पहले का लोगों में ज्यादा प्रतिभाशाली लोग होता था, क्लियर। आज के समय में क्या है, 40-45 साल तक तो टीचर का तैयारी करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सारा चीज पढ़े, इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ये चीज देख रहे हैं, जैसे हर्यक वंश देख लिए, शिशुनाग देख लिए, नंद देख लिए, मौर्य में अभी हम लोग हैं, तो मौर्य भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को बताएंगे, क्लियर। मौर्य वंश में आप क्या अभी लिखे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था, चाणक्य की सहायता से धनानंद को युद्ध में हराकर सत्ता पर अधिकार किया, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश में ही चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आएगा, बिंदुसार का बेटा सुसीम आएगा, अशोक आएगा, क्लियर, और अशोक के बाद फिर ये बृहद्रथ, अशोक का फिर पुत्र पुत्री होगी, जिसका पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र था महेंद्र,
ठीक है, अशोक के पुत्र और पुत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अशोक के पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र, जिसको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेज देता है श्रीलंका। अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को मानता है, लेकिन आने वाला समय में इसका जो आगे का जो पीढ़ी है, ये अशोक वगैरह, ये लोग बौद्धिस्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर देगा। तो अभी ये सारा चीज देखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग हिस्ट्री में ब्रॉडवे में पढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे, नेक्स्ट है सुंग वंश, स से सुंग, सुंग वंश है ना। अच्छा क्या लिख रहे थे, एक मिनट वो पूरा कंप्लीट कराए थे कि नहीं वो देख लीजिए। तो अंतिम शासक बृहद्रथ, इस तरह से देखिए, बृहद्रथ ठीक है। इसके बाद अब लिखिए सुंग वंश लिखेंगे। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित सुंग था। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित सुंग था। पुष्यमित सुंग संस्थापक पुष्यमित, पुष्यमित सुंग, सुंग ऐसे नहीं लिखेंगे ना, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित सुंग था की उपाधि धारण की। इसने सेनानी की उपाधि धारण की। पुष्यमित सुंग ने दो बार अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए। अश्वमेघ यज्ञ देखिए होता क्या था। पहले का राजा लोग जो जितना बहादुर होता था, शक्तिशाली होता था, वो अपना घोड़ा को खिला पिला करके छोड़ देता था। शक्तिशाली है भाई, छोड़ दिया घोड़ा को, अब घोड़ा जिधर जिधर जाएगा वो सारा क्षेत्र उसका हो जाएगा, और घोड़ा के पीछे पीछे सैनिक रहता था, जिसको विरोध करना रहता था वो फिर युद्ध करता था। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो इतिहास में यह जानकारी मिलता है कि सुंग वंश का शासक पुष्यमित सुंग ने, और पुष्यमित सुंग ही सुंग वंश का संस्थापक भी था, पुष्यमित सुंग ने दो बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था, जिसका उल्लेख अयोध्या के अभिलेख में मिलता है, जिसका उल्लेख अयोध्या के अभिलेख में मिलता है। पुष्यमित सुंग के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित सुंग के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। यह काफी विलासी प्रवृत्ति का शासक था। इस कारण सत्ता कमजोर होता चला गया और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कण्व वंश। थोड़ा थोड़ा पहले सारा वंश के बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद फिर विस्तार से पढ़ा जाएगा।
नेक्स्ट लिखेंगे कण्व वंश, यहां कण्व वंश लिखेंगे। कण्व वंश में इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक वासुदेव था। अंतिम शासक, अंतिम शासक सुशर्मा था। हो गया छह वंश, आप लोगों को बढ़िया से याद है, याद है तो थोड़ा क्विज हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखेंगे हाड़ी डालिए सिकंदर। लिखेंगे सिकंदर, सिकंदर जिसे जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। यह 356 से 356 ईसा पूर्व कर लीजिए, 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, मकदूनिया का, मकदूनिया प्रशासक था, प्रशासक, प्रशासक था। इसे इसे ही अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय तथा, अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में, इतिहास में सिकंदर को, सिकंदर को एक कुशल प्रशासक, एक कुशल प्रशासक और यशस्वी सेनापति, यशस्वी सेनापति माना जाता है। अपनी मृत्यु तक, अपनी मृत्यु तक सिकंदर, अपनी मृत्यु तक सिकंदर लगभग एक तिहाई जमीन जीत चुका था, 1/3 जीत चुका था। जिसकी जानकारी के लोगों को थी, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। परंतु वास्तविकता, वास्तविकता में, वास्तविकता में बहुत सारी किताबों में, वास्तविकता में बहुत सारी किताबों में यह दावा किया जाता है कि वह मात्र जमीन के पूरे भूभाग के, वह मात्र जमीन के पूरे भूभाग के 15% भाग को ही जीत पाया था। उसने अपने कार्यकाल में, उसने अपने कार्यकाल में, उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, ईरान, सीरिया, मिस्र, मिस्र, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, फिनिशिया,
फिनिशिया, जुदेया, यहां लिख दे रहे हैं जुदेया, गाजा, गाजा जो अभी गाजा पट्टी पे फिलिस्तीन पे जो वार चल रहा है, गाजा, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया, और भारत में पंजाब तक, और भारत में पंजाब तक के प्रदेश को, के प्रदेश को जीत चुका था, जीत चुका था, परंतु भारत के अंदरूनी भाग में, भारत के अंदरूनी भाग में वह जानबूझकर प्रवेश नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। क्योंकि 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 भारत के मध्य में मगध था, भारत के मध्य में मगध था, और धनानंद की विशाल सेना के सामने, धनानंद की विशाल सेना के सामने सिकंदर की फौज टिक नहीं पाती, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने में ही भलाई समझी। अगला पॉइंट लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, फारसी साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से, सिकंदर के साम्राज्य से खुद को, खुद को 40 गुना अधिक बड़ा मानते थे, 40 गुना अधिक बड़ा मानते थे। फारसी में, फारसी में सिकंदर को, फारसी में सिकंदर को इस्कंदर, इस्कंदर भी कहा जाता था, भी कहा जाता था, और हिंदी में, और हिंदी में अलछेंद्र, हिंदी में अलछेंद्र भी कहा जाता था, भी कहा जाता था। लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से, सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से, सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से Thank you.
326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। यह एक लुटेरा था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था। लिखिए। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था। अरबी और फारसी में रॉक्सिन कहा जाता था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। भारत में सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध पौरव राष्ट्र के शासक राजा पोरस के साथ हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर को राजा पोरस के तलवार से गंभीर चोट लगी। वहीं दूसरी तरफ धनानंद के धोखेधड़ी के कारण राजा पोरस को सिकंदर के द्वारा कैद कर लिया गया। राजा पोरस को सिकंदर के द्वारा कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद सिकंदर राजा पोरस से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। एक वीरता भरा उत्तर राजा पोरस ने दिया
वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, वही जो एक राजा को कहां पर छूटा वीरता भरा उत्तर दिया कि वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको मत लिखिएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजा पोरस जो है वह पहले भी सिकंदर को हराकर वापस भेज चुका था। तो सिकंदर इस बात से भयभीत था कि दुनिया जब सिकंदर को याद करेगी तो सिकंदर को किस नाम से याद करेगी, कि भाई पोरस को एक ही बार पकड़ा और मार दिया। इसलिए सिकंदर ये चाहता था कि जब भी इतिहास लिखा जाए, इतिहास के लोग सिकंदर को पढ़े तो वो इस बात को जाने कि सिकंदर महान था। लेकिन ऐसा बात कुछ ज़्यादा नहीं था, राजा पोरस सिकंदर से भी बड़ा महान था। और भारत के जितने भी राजा हुए वो वास्तविकता में कभी भी दूसरे देशों पर कभी भी आक्रमण नहीं किए, इतिहास इस बात का गवाह है। कोई भी राजा का नाम आप भारतीय राजा ये बताइए जो किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो, नहीं किया है आज तक, ठीक है, आज तक नहीं किया है, वर्तमान समय तक नहीं किया है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, यानी कि सारा लोगों से मित्रता। लेकिन हाँ, हमारे क्षेत्र पर अगर कोई आक्रमण करता है तो उसका हम लोग भारतीय लोग दृढ़ता से उसका मुकाबला भी किया जाता है। लेकिन हम लोग बहुत लंबा समय तक गुलाम भी रहे, कारण क्या था, ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये सब के वजह से हम लोग रहे हैं। इसमें कोई इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत का राजा कभी भी किसी दूसरे देश पर सीमा क्षेत्र के लिए आक्रमण नहीं किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखे थे ये बताइए, क्या लिखे थे लास्ट पॉइंट बताइए ना, जो लिखे राजा को दूसरे राजा के साथ किया जाना चाहिए। आप बताइए, एक वीरता भरा उत्तर दिया वही जो हाँ राजा दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, ये राजा पोरस का उत्तर था। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर ये सोचता है कि इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा तो सिकंदर का इतिहास को भी कैसे याद रखा जाएगा, इसलिए राजा पोरस को जीवन दान दे देता है। राजा पोरस के उत्तर से वो बहुत प्रभावित होता है और मित्रता भी कर लेता है, लेकिन वापस बेबीलोन जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, है ना। तो लिखेंगे, राजा पोरस के इस उत्तर से सिकंदर प्रभावित होता है, राजा पोरस के इस उत्तर से सिकंदर प्रभावित होता है और राजा पोरस को जीवन दान देते हुए मित्रता भी कर लेता है, मित्रता भी कर लेता है। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध होता है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध होता है इतिहास में इसे हाइड्रे स्पीच का युद्ध, हाइड्रे स्पीच के युद्ध के नाम से प्रचलित है। क्वेश्चन आता भी है, एसएससी रेलवे वगैरह में पूछता है। अगला पॉइंट, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और अंत में सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी।
देखेंगे सिकंदर का हेडिंग डालेंगे सिकंदर का सैन्य अभियान, सिकंदर का सैन्य अभियान। लिखेंगे 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की और अपने राज्य में वापस आया। उस समय सिकंदर के पिता फिलिप ने बाइजेंटियम जगह का नाम है, देश है, बाइजेंटियम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और सिकंदर को अपने राज्य का प्रभारी बनाकर सिकंदर की देखरेख में छोड़ दिया। वहां की सेना ने सिकंदर और मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दी। मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लिखें, इस विद्रोह को सिकंदर ने कुशलतापूर्वक दबाया था या शांत किया था। और उस शहर का नाम बदलकर एलेक्जेंड्रोपोलिस कर दिया। यह सिकंदर की सबसे पहली विजय थी। लिख लिए, नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, सिकंदर का प्रिय पशु घोड़ा था। और उसके प्रिय घोड़े का नाम बाउके फला था। बाउके फला था।
सिकंदर ने भारत से लौटते वक्त भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में जल्दी जल्दी लिखते जाइए भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में अपने घोड़े के नाम पर एक नगर ही बसाया था। सिकंदर की मृत्यु मात्र 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हुई थी। वह मैसेडोनिया नहीं पहुंच सका था। उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी। सिकंदर के जीवन के अंतिम क्षण में सिकंदर एक दार्शनिक के जैसा व्यवहार करता है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर का स्वास्थ्य खराब होने के वजह से लगभग पूरे विश्व से चुनिंदा चिकित्सकों को बुलाया गया था। परंतु किसी ने भी सिकंदर को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सका। तब सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को यह आदेश देता है कि मेरी मृत्यु के बाद जिस रास्ते से मुझे ले जाओगे उस रास्ते पर कदमों में सारी दौलत बिछा देना। और सिकंदर के मरते वक्त पूरी दुनिया को यह पता चलना चाहिए
कि जीवन भर हिंसा करके धन दौलत कमाने से कोई फायदा नहीं है, जीवन भर हिंसा करके धन दौलत कमाने से कोई फायदा नहीं है, और लोगों को शांति से सुख चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए, सिकंदर भी जब यहां से अंतिम सांसें चल रही थी सिकंदर की, विश्व के तमाम चुनिंदा डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को बुलाया गया था सिकंदर को ठीक करने के लिए, लेकिन सिकंदर का सभी ने इलाज किया लेकिन सिकंदर ठीक नहीं हो सका। और जब सिकंदर ठीक नहीं होता है तो सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को ये बात कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को मेरे ताबूत के बाहर खाली रखना और इस तरह से मेरे दोनों हाथों को दिखाना कि जिससे कि पूरा दुनिया ये समझ सके कि महान सिकंदर जो इतना धन दौलत कमाया, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, वह भी अपने साथ इस धरा से, इस जमी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर गया। और सिकंदर का यही चरित्र चित्रण सिकंदर को एक दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि अंत समय में सिकंदर एक दार्शनिक के जैसा व्यवहार करने लगा था, इसी बात से पता चलता है। लिखेंगे सिकंदर का सेनापति, अगला पॉइंट बनाकर, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था